सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे बेबी हालदार जी के द्वारा लिखे हुए पाठ आलो आधारी का। हमने और आपने इस पाठ में ये जाना था कि कैसे लेखिका को तातुष ने प्रोत्साहित किया लिखने के लिए, और जैसा कि आपको विदित है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जो प्रोत्साहन है, यानी आप कह लीजिए किसी को मोटिवेट करने की जो कला है, वो यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो कार्य करने वाले व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती है। और यही कार्य कल के अंक में हमने आपने देखा कि तातुष ने बेबी हालदार के साथ किया। बेबी हालदार चूंकि आप जानते ही हैं एक घरेलू नौकरानी है, घर का सारा काम करना और सारे काम के बाद बच्चों की देख रेख करना, उनको विद्यालय भेजना, उनकी पूरी तैयारी कराना, इसके बाद भी लेखन के लिए समय निकालना, ये बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन तातुष ने प्रोत्साहित किया, तातुष ने प्रेरित किया लेखिका को लिखने के लिए, और लेखिका ने तातुष की बातों को सकारात्मक ढंग से ग्रहण करते हुए यह कर दिखाया कि यदि सही ढंग से व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए, दिशा निर्देशित किया जाए, तो वह कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। इसके बाद हमने आपने ये जाना था कि लेखिका का काम बढ़ना, चूंकि आपने देखा था कि तातुष के घर में उनका छोटा लड़का जो था अर्जुनदा अपने मित्रों के साथ आ गए थे, तो लेखिका का अचानक से काम बढ़ गया। लेकिन कहती हैं इसमें भी हमें कोई विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके जो मित्र थे उनका व्यवहार इतना अच्छा था, वो इतने सहयोगात्मक ढंग से पेश आते थे कि लेखिका के घरेलू कार्यों में भी हाथ बटा लेते थे और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी उनकी देख रेख करते थे, जिस कारण लेखिका कहती हैं कि मेरा काम जरूर बढ़ा पर वो काम बढ़ना मेरे लिए समस्या नहीं रहा, वो आसानी से सब सुलझ जाता था। इसके बाद हमने आपने जाना था कि बेबी हालदार पार्क में जाने लगी थी। पार्क में जाने का प्रसंग जो है आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि लेखिका ने पार्क में जाना क्यों बंद कर दिया, जिसके विषय में आप जानते हैं कि लेखिका जब पार्क में जा रही थी तो तातुष का एक उद्देश्य था कि लेखिका दिन भर घर के कार्यों में ही व्यस्त रहती है और जब पार्क में जाएगी तो वहाँ उसका जो वातावरण है, परिवेश है, थोड़ा सा परिवर्तित होगा और इसका मन मस्तिष्क जो है लिखने के लिए कुछ नई नए विचारों को ग्रहण करके बेहतर लेखन किया जा सकता था। इस उद्देश्य से तातुष ने बेबी को पार्क में भेजना आरंभ किया। तातुष बेबी वहां जाती, एक बंगाली बालिका से उसकी मित्रता हो गई। लेखिका बताती हैं कि वो काफी दिनों तक उनके साथ मिलती जुलती रही, खेलती कूदती, बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंगाली लड़की जो है कहीं चली गई, उसको पार्क में आना बंद कर दिया। फिर लेखिका ने वर्णन किया कि पार्क में कैसे पुरुषों के दुर्व्यवहार ने, अजनबी लोगों के दुर्व्यवहार ने लेखिका को पार्क में जाने से रोका। यहाँ से जो एक मैसेज, जो एक संदेश आपको मिलता है वो ये है कि कैसे पुरुषों का जो आधिपत्य है समाज में, या आप कह लीजिए कि पुरुष विहीन महिला के प्रति जो लोगों की सोच है, उसको भी इस पार्क के प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं बेबी हालदार जी। और इसके बाद हमने आपने जाना था कि तातुष ने और उनके मित्रों ने लेखिका के लेखन कला की कैसे सराहना की। सराहना ये जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रशंसा यदि सही ढंग से सही दिशा में की जाए तो व्यक्ति का कार्य और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन व्यक्ति यदि प्रशंसा को नकारात्मक ढंग से ग्रहण कर लेता है तो प्रशंसा की धारा में वो अपने अस्तित्व को भी बहा सकता है। इसलिए जब भी आपकी सराहना की जाए, जब भी आपकी प्रशंसा की जाए, तो अपने आप को सतर्क कर लीजिए, अपने आप को सचेत कर लीजिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार का भाव तो नहीं जागृत हो रहा है। यदि ये प्रशंसा आप में अहंकार का भाव जगाती है तो आपको अपने आप को वहाँ से पीछे कर लेना है, क्योंकि अहंकार किसी भी मनुष्य के विनाश का कारण हो सकता है। तो आपने देखा कि लेखिका की लेखन कला की भी सराहना की गई, इसके माध्यम से हम आशा देना चाहते हैं। और अंत में हमने आपने जाना था कि लेखिका और उनके बाबा की मुलाकात हुई, बाबा ने कैसे लेखिका को अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया, उसकी माँ का देहांत हो गया, ये सारी बातें हमने कल के अंक में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि लेखिका का जो पत्र व्यवहार है वो कैसे प्रभावी रहा, लेखिका किससे पत्र व्यवहार करती थी और उस पत्र व्यवहार का मुख्य विषय क्या था। तो लेखिका बताती हैं कि कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से मेरा पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछते, एक विशेष व्यक्ति का वर्णन करती हैं, शर्मिला दी। कहती है शर्मिला दी के पत्र आते, मैं चकित रह जाती उसको पढ़ करके कि
लोगों को मेरा लिखना, अर्थात मैं जो लिख रही हूँ यह लेखन कार्य लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लेखिका कहती मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती। कभी कभी शर्मिला दी लेखिका से सजने संवरने के बारे में पूछती कि आपको सजना कैसा लगता है, आपको जो सौंदर्य है सौंदर्य के प्रति आपकी क्या विचारधारा है। लोग पत्र के माध्यम से शर्मिला दी और लेखिका एक दूसरे से ये जानती ये बातें करती कि कभी हम एक दूसरे से जब मिलेंगे तो एक दूसरे से खूब बातें करेंगे, खूब सज धज के आएंगे, खूब नाचेंगे, खूब चर्चा परिचर्चा करेंगे। इस प्रकार से पत्र व्यवहार में दोनों की आपसी चर्चा होती। लेखिका कहती है कि बेबी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती। वह सोचती अगर तातुष्णा मिलते तो उनको यह जीवन कहाँ मिलता। कहाँ एक समय ऐसा था कि लेखिका जब अपने घर से बेघर हुई थी तो उसके उसको सहारा देने के लिए कोई नहीं मिला, और कहाँ एक ऐसी स्थिति है कि लेखिका के जीवन में आनंद ही आनंद भरता चला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेखिका एक मैसेज देना चाहती हैं कि कभी भी परिस्थितियों से घबरा करके हमें भागना नहीं चाहिए। जीवन में जैसे भी परिस्थितियां हैं डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि डटकर सामना करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए एक मिसाल बनते हैं। लेखिका आगे बताती हैं कि मेरा जो शांत जीवन है वो बहुत ही प्रभावी रहा लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए। इसके बारे में कहती हैं लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई। तातुष के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लग गया था, छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुष की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछुड़ कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उसने जीना सीख लिया। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। जहाँ से बड़ा सा प्रश्न बनता है कि अपनों से बिछुड़ कर क्या मनुष्य व्यवहारिक जीवन में अपनी उन्नति कर सकता है, तो जिसका जीता जागता निदर्शन आपकी लेखिका बेबी हालदार जी ने दिया। बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले ही के अंक में बताया था कि खून के रिश्ते कई बार ऐसे होते हैं कि जो काम नहीं आते, और आपका जो व्यवहार है, आपका जो आपकी जो क्रिया है, आपके जो कार्य हैं, उसके माध्यम से जो आपने आसपास परिवेश बना रखा है, कई बार वो परिवेश ऐसे सकारात्मक ढंग से आपके सामने सहायक सिद्ध होता है कि खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं, जिसका उदाहरण लेखिका ने यहाँ प्रदर्शित किया है। लेखिका आगे बताते हुए कहती हैं कि वो तातुषे के साथ इतना घुल मिल गई थी कि वो दिन भर उसे परेशान ही किया करती थी। जैसे उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ, इस प्रकार से लेखिका और तातुष का थोड़ा सा संवाद भी, या आप कह लीजिए थोड़ा सा ठिठोली भी यहाँ प्रदर्शित की गई। इसके बाद लेखिका बताती हैं कि कभी कभी तातुष परेशान भी हो जाते लेखिका की इस जिज्ञासा को देख करके, और उस जिज्ञासा को कैसे शांत किया जाए जब तातुष के पास उसका हल नहीं होता। तो तातुष उसे कहते जाओ बच्चों को तैयार करो और कुछ घर का काम धाम करो, अर्थात तातुष लेखिका को वहाँ से दूर कर देते। लेखिका के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही कि लेखिका की जो पत्रिका, लेखिका की जो रचना थी वो जब पत्रिका में छपी तो लेखिका कहती हैं उस समय क्या स्थिति हुई। लेखिका इसके बारे में कहती हैं कि आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखन में, कला में दक्ष कह लीजिए लेखिका कि पत्रिका जो में एक लेख छपा, और उस लेख का नाम था आलो आधारी और लेखिका बेबी हालदार। इस रचना को देखकर बेबी हालदार इतना प्रसन्न हुई कि वो सारा काम धाम छोड़ करके सबको अपनी रचना दिखाती रही। तातुष के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुष के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से एक छोटा सा मैसेज प्यारे बच्चों आपको जाता है, वो ये है कि जीवन में कभी भी अपनी उपलब्धियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस लायक बने हैं कि लोग आपको याद करें। हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहिए। लेखिका आगे बताती हैं कि जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश तमाम थे, उनमें से एक ये था कि लेखिका की तुलना जब आशापूर्णा देवी की जाती थी तो उनके मन में कैसे भाव आते थे। जेठू जब कहते कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, तो यह कथन लेखिका के जीवन में एक नए उत्साह का संचार करता। आशा यह है कि आशापूर्णा देवी ने भी अभाव भरे जीवन में अपना लेखन कार्य जारी रखा और नई ऊंचाइयों को छू लिया। जिस किसी में लेखन प्रतिभा है उसे जरा सा भी उत्साहित कर दिया जाए तो वह अच्छा लेखन कर सकता है।
जेठू ने लेखिका की लेखन प्रतिभा को पहचाना। वह चाहते थे कि वे भी लिखना जारी रखे। वह पत्रों के माध्यम से उसका उत्साह बढ़ाते। प्रोत्साहन मिलने पर मनुष्य हर वह काम कर सकता है जिसे वह सोचकर भी डर जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रोत्साहन या सकारात्मक प्रेरणा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। आज का ये जो अंक था उसमें हमने आपने लेखिका के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण अंश जाने। कल के अंक में हम और आप जानेंगे कि कैसे लेखिका का जीवन वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक है एक घरेलू महिला के लिए, इसको हम लोग जानेंगे कल के अंक में। आज हमने आपने क्या सीखा परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि लेखिका को लेखन में किन किन लोगों ने उत्साहित किया, इनमें जेठो की भूमिका का वर्णन कीजिए जैसा कि आपने देखा ही है। दूसरा प्रश्न है, जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी देखी तो उसकी मन स्थिति कैसी थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका जो है वो शर्मिला दी की चिट्ठी को पढ़कर क्या सोचती थी। चौथा और अंतिम प्रश्न है, मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था, लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।